क्या चंद्रमा पर शहर बसाना संभव है? नासा और रॉस कॉस्मोस ने हाल ही में चंद्रमा की परिक्रमा के लिए एक स्पेस स्टेशन के निर्माण के विषय में समानांतर घोषणाएं की हैं। नासा एक नए स्पेस स्टेशन के निर्माण के लिए अपने सहभागियों के साथ काम कर रहा है और अब हर कोई रोमांचित है कि रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉस कॉस्मोस इस मिशन में शामिल हो गई है। 19 अक्टूबर 2017 को वैज्ञानिकों ने पूर्व जापानीज कगुया चंद्र उपग्रह के कुछ आंकड़ों की समीक्षा की जो 2009 में चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। आंकड़ों से चंद्रमा पर 50 मीटर गड्ढे का पता चला है जिसे मरियूस हिल्स कहा जाता है। रेडियो वेव्स के आगे के अध्ययन से पता चला है कि यह लगभग 3.5 बिलियन साल पहले बनी एक लावा ट्यूब है। यह लावा ट्यूब 50 किलोमीटर या 30 मील लंबी है और संभवतः ये लावा ट्यूब चंद्रमा पर एक जटिल शहर के निर्माण में शामिल शुरुआती खोजकर्ताओं के लिए रहने के लिए एक बढ़िया जगह होगी। चूंकि चंद्रमा पर वायुमंडल के नाम पर बहुत कम मात्रा में सोडियम और पोटेशियम जैसे कुछ गैसें ही हैं जो रेडिएशन और उल्कापिंडों से कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करती, ऐसे में भूमिगत लावा ट्यूब ही निवासियों को ऐसे खतरे से सुरक्षित रखेगी। लावा ट्यूब का निर्माण तब होता है जब पिघली हुई चट्टान दरारों के माध्यम से एक सुरंग का निर्माण करती है। जब लावा प्रवाह बंद हो जाता है तो एक सपाट फर्श और एक मजबूत धनुष के आकार की छत वाली नली का निर्माण होता है। ऐसे ही लावा ट्यूब यहाँ पृथ्वी पर भी मौजूद है, लेकिन चंद्रमा पर यह बहुत बड़ी है। ये संभावित रूप से 1 किलोमीटर लंबी और चौड़ी है जिसमें एक बड़े शहर को ऊंची इमारतों के साथ आसानी से बसाया जा सकता है। वैज्ञानिक, शोधकर्ता, निर्माण करने वाले लोग और आम नागरिक इस लावा ट्यूब में अंतरिक्ष के खतरों से सुरक्षित रहेंगे। चंद्रमा पर शैकल्टन नामक क्रेटर पर एक गुम्बद के आकार का मून बेस बनाने की कहानियां कई वर्षों से प्रचलित हैं। यह 40 किलोमीटर या 25 मील बड़ा है और केंद्र में यह 1500 मीटर लंबा है जिसमें असीमित संख्या में लोगों को बसाया जा सकता है। ल्यूनर सिलिका से बने कांच की छत को टाइटेनियम और एल्यूमिनियम फ्रेम द्वारा समर्थित किया जाएगा जो अंदर से जमीन से लगभग अदृश्य होने के लिए पर्याप्त संकीर्ण होगी। इस छत में थर्मल एक्सपेंशन और संकुचन को नियंत्रित करने के लिए कई परतें होंगी, लेकिन फिर भी यह ट्रांसपेरेंट ही रहेगी। अगर चंद्रमा पर उल्का के गिरने की संभावना हुई तो इसकी छत पर सबसे बड़े उल्कापिंड के आधार पर 1 से 4 पैनल लग सकते हैं। फिर उल्का चाहे एक पैनल को डिस्ट्रॉय करे या षटभुज आकार के 4 पैनल्स की जोड़ी को, हवा का रिसाव बहुत धीमा होगा क्योंकि जब हमारे पास लगभग 40 क्यूबिक किलोमीटर हवा और एक छोटा सा छेद होगा तो एयर प्रेशर में ध्यान देने योग्य परिवर्तन से पहले कई घंटे बीत चुके होंगे। भारी नुकसान होने में कई दिनों का समय लग जाएगा और हमारे पास अपनी छत की मरम्मत के लिए काफी समय होगा। मरम्मत के लिए सबसे तेज रणनीति संभवतः एक विशाल और मजबूत केवलर सिंथेटिक फाइबर से बनी बॉल होगी जिसे नुकसान हुए क्षेत्र के ऊपर रखा जा सकता है और बाकी की मरम्मत बाहरी रोबोट्स द्वारा की जा सकती है। सतह के नीचे शहर बुनियादी सुविधाओं वाला एक भूमिगत शहर होगा। यह चंद्रमा के मूल निवासियों और निर्माण करने वाले श्रमिकों के रहने का स्थान होगा जब तक गुंबद वाले बेस का निर्माण पूरा नहीं हो जाता। इस शहर में तबाही की स्थिति में सभी निवासियों के रहने के लिए पर्याप्त जगह होगी। यदि मून बेस में बड़ा छेद हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्रायोजेनिक कूलर्स बेस के अंदर के वातावरण को तेजी से कंडेंस कर तरल अवस्था में बदल सकते हैं जिससे हमारे 80% वातावरण का बचाव होगा जब तक कि बेस की मरम्मत नहीं हो जाती। यह एक छोटी सी संभावना है लेकिन विचार करने और तैयार रहने योग्य है। सुरक्षा और गति दोनों के लिए स्वचालित निर्माण ही सबसे उत्तम है। चंद्रमा पर इस तरह के गुम्बद का निर्माण 15 वर्षों में किया जा सकता है बशर्ते चंद्रमा पर खनन का काम जोरों पर हो। कुछ मेडिकल शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में मानव जीवन काल 150 सालों तक बढ़ सकता है, इसलिए यह पृथ्वी पर अपना आधा जीवन बिता चुके लोगों के लिए एक उत्कृष्ट सेवानिवृत्ति का स्थान बन सकता है। चंद्रमा पर इस तरह के गड्ढों का आकार जिन पर मून बेस बनाया जा सकता है 1250 वर्ग किलोमीटर या 485 वर्ग मील या भारत की राजधानी से भी 20 गुना बड़ा हो सकता है। यह न सिर्फ रहने के लिए एक बढ़िया जगह होगी, इन्हें पूरी तरह से एक्सप्लोर करने में भी हमें कई दशकों का समय लग जाएगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा के ध्रुवों पर छायादार गड्ढों में पानी की बर्फ हो सकती है, तो हमें चंद्रमा के ध्रुवों पर मौजूद
विशाल गड्ढों से बर्फ को खनन करके निकालना होगा और फिर रिफाइंड करके पानी निकालना होगा। यह चांद पर पूरे शहर के लिए एक केंद्रीय जलाशय के रूप में काम करेगा, जो एक्वाकल्चर भोजन के साथ साथ मछली की आबादी का समर्थन करेगा। साथ ही चंद्रमा पर मनोरंजन के सभी साधन भी उपलब्ध होंगे। ऐसा कोई कारण नहीं होगा कि किसी भी तरह का मनोरंजन न हो। जो पृथ्वी पर उपलब्ध हैं, वे सभी साधन चंद्रमा पर भी उपलब्ध होंगे। थिएटर्स को मिलाकर केवल 1250 मिलीसेकंड्स की देरी के साथ आप चांद पर भी इंटरनेट पर लॉगिन कर सकेंगे, और यदि आप चाहें तो अपने पृथ्वी के दोस्तों के साथ प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड भी खेल सकते हैं। यह पूरी तरह से मंगल ग्रह के विपरीत है, जहां समय में देरी इस बात पर निर्भर करती है कि दोनों ग्रह अपनी कक्षाओं में कहां हैं। यहां टाइम डिले 4 मिनट जितना कम हो सकता है और 24 मिनट अधिक भी हो सकता है। सबसे अधिक दिलचस्प बात तो यह है कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना का केवल छठा हिस्सा है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति साधारण मजबूत फैब्रिक से बने पंखों की सहायता से अपनी शक्ति के बल पर ही मून बेस के भीतर हवा की उपस्थिति में उड़ान भर सकेगा। एक छोटी सी इलेक्ट्रिक मोटर इसे सरल, धीमा और शांत बना सकती है। इसके अलावा चंद्रमा के अन्य लाभ भी हैं। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी काफी हद तक अपने चुंबकीय क्षेत्र द्वारा सुरक्षित है, लेकिन वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के नए शोध से पता चला है कि चंद्रमा के कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जो पृथ्वी के चारों ओर 28 दिवसीय कक्षा के दौरान 7 दिनों के लिए मैग्नेटोस्फेयर द्वारा संरक्षित होते हैं। ये हिस्से रेडियो खगोल विज्ञान के लिए आदर्श स्थान बनेंगे। चंद्रमा ऑप्टिकल खगोल विज्ञान के लिए भी बहुत शानदार है। चूंकि चंद्रमा का कोई वातावरण नहीं है, इसलिए अंतरिक्ष में देखने के लिए कोई बाधा नहीं आएगी। चंद्रमा विशाल ऊर्जा का स्रोत भी है। एक आशाजनक संभावना है हीलियम-3 नामक तत्व। हीलियम-3 नामक तत्व चंद्रमा पर भरपूर मात्रा में है, क्योंकि चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं है, जिस कारण सूर्य से निकलने वाली सौर ऊर्जा से ये तत्व चंद्रमा पर जमा हो रहा है। ये तत्व पृथ्वी पर भी है, लेकिन बहुत कम मात्रा में है। सिर्फ 25 टन हीलियम-3 भारत जैसे विशाल देश को पूरे साल भर ऊर्जा प्रदान कर सकता है। भारत समेत चीन, रूस, अमेरिका और अन्य देशों ने इस पदार्थ के लिए चंद्रमा के खनन में अपनी रुचि व्यक्त की है। यहाँ तक कि बड़े बड़े निजी उद्योगपति भी एक साथ मिलकर चंद्रमा के संसाधनों का उपयोग करने की फिराक में हैं। इस तत्व के लिए नासा भी गहनता से रिसर्च कर रही है। इसलिए यह एक गंभीर व्यवसाय है जो अगली पीढ़ियों को अरबपति बना देगा, और 3 बिलियन प्रति टन की लागत वाले इस नॉन रेडियो एक्टिव ईंधन के लिए चंद्रमा पर जाने के बहुत से कारण हैं। निश्चित रूप से हमें चंद्रमा पर मून बेस के लिए बहुत बड़े गड्ढे के साथ शुरुआत करने की जरूरत नहीं है, जिसे पूरा होने में ही कई सालों का समय लग जाएगा। सिर्फ 5 किलोमीटर के आर पार का गड्ढा काफी है, जिसमें हमें 20 वर्ग किलोमीटर का रहने योग्य क्षेत्र मिल जाएगा। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से हम चांद पर सिर्फ 1 हेक्टेयर की जगह में ही इतनी फसल का उत्पादन कर सकते हैं जितनी हम 100 हेक्टेयर की भूमि में करते हैं। हाइड्रो प्लांट मिट्टी में उगे पौधों की तुलना में बहुत बड़े होते हैं, इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मिट्टी में उगने वाले पौधों की तुलना में हाइड्रो प्लांट बहुत तेजी से बढ़ता है, क्योंकि इस तकनीक में पोषक तत्वों को सीधे जड़ों तक पहुंचाया जाता है और मिट्टी की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती। रहन सहन और खाने पीने की चीजें उपलब्ध होने के बाद हम चांद पर होटल बना सकते हैं, जो पृथ्वीवासियों के लिए अपनी दुनिया से बाहर छुट्टियां मनाने के लिए शानदार जगह होगी। जल्द ही आप उम्मीद कर सकते हैं कि चंद्रमा पर ओलंपिक्स खेलों का अपना संस्करण होगा, जहां खिलाड़ी अपनी क्षमताओं से आगे बढ़कर एक दूसरे को चुनौती देते हुए दिखाई देंगे, जो दर्शकों के लिए अविश्वसनीय और शानदार होगा। लेकिन अभी ये बहुत दूर की सोच है। इस समय इंसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम मनुष्यों की एक बड़ी आबादी को पृथ्वी से दूसरे ग्रह तक ले जाना है। हमारा ग्रह ब्रह्मांड के खतरों से घिरा हुआ है। अगर बृहस्पति और अन्य गैसों से बने ग्रह जो हमारे सोलर सिस्टम में प्रवेश करने वाले बड़े बड़े एस्ट्रॉयड्स को अपने भीतर समा लेते हैं, यदि नहीं होते तो हमारे ग्रह पर बड़े बड़े एस्ट्रॉयड्स के गिरने की घटनाएं बहुत आम होती। एक ही टोकरी में अपने सभी अंडे रखने की पुरानी कहावत खतरनाक रूप से मानव जाति के लिए भी लागू होती है। शायद हम भविष्य में किसी बड़े विनाशकारी एस्ट्रॉयड के मार्ग को बदलने में सक्षम हो सकते हैं।
हम पृथ्वी पर पहले ऐसे जीव हैं जो इस तरह की चीज का पता लगाने और इसके बारे में कुछ करने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान हैं। वास्तव में फैक्ट ये है कि हम इस दिशा में बहुत कम प्रयास कर रहे हैं। चंद्रमा पर एक शहर का निर्माण न केवल वैज्ञानिक रूप से एक शानदार विचार है, बल्कि सबसे अच्छी चीजों में से एक है जो हम अपनी जाति के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए कर सकते हैं। विचार कीजिए, क्या पता कोई विशाल एस्ट्रॉयड पृथ्वी की तरफ आ रहा हो जिसका हमने अभी तक पता नहीं लगाया है। याद रखिए, हमारे डायनासोर दोस्तों के साथ क्या हुआ था।